खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमो। तूफान टीवी के सभी दर्शकों को रवि अग्रवाल का नमस्कार। दीपों के पर्व दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज। दमोह के सनसनीखेज देवरान ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जबकि कुल 7 नामजद आरोपियों में से पुलिस ने 6 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दमोह एसपी डीआर तेनीवार ने बयान जारी करते हुए बताया कि देवरान की दुखद घटना के बाद लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद कुल 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है। एसपी के मुताबिक देवरान ग्राम में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। खबर को प्रातः थाना दमोह देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरान में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 सदस्यों के साथ जो दुखद घटना घटित हुई है कि पूर्वी पटेल के आरोपियों द्वारा गोली चला करके 3 व्यक्तियों की हत्या की है। उस दुखद घटना में फरियादी के रिपोर्ट के अनुसार 7 नामजद आरोपी को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस घटना में 1 मुख्य आरोपी जगदीश पटेल को 25 तारीख को ही घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने दस्तयाब करके अभिरक्षा में ले लिया गया है। शेष 4 आरोपी को कल दिनांक तक हमने अभिरक्षा में ले जाकर के विधिवत गिरफ्तारी करके सक्षम न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया है। 1 अभियुक्त जो है आज पुलिस ने अपने अभिरक्षा में लिया है। इस प्रकार से 6 अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है। प्रकरण में चूँकि पीड़ित पक्ष को जो राहत और पुनर्वास की जो कार्रवाई है वह भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई है। उनको जो नियमानुसार जो पात्रता बनती है उतनी राशि जो उनको प्रदान की गई है। साथ ही परिवार के जो आवश्यक संसाधन है, जैसे अनाज वगैरह जो उनकी सुविधाएँ प्रदान करना है वो भी की जा रही है। घटनास्थल पर सुरक्षा बल लगाया गया है और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष और वैधानिक कार्रवाई की गई है।